शासन के निर्देशानुसार 10 अप्रैल को आयोजित मेगा मार्क एक्सरसाइज की सफलता को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की बैठक एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें शासन के निर्देशानुसार 10 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे होटल क्लार्क में 11वीं वाहिनी NDRF एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विभिन्न आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर मेगा मार्क एक्सरसाइज कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे 10 अप्रैल को आयोजित होने वाले मेगा मार्क एक्सरसाइज विश्वास कार्यक्रम में निर्धारित स्थल पर प्रत्येक दशा में पूर्वाह्न 9:30 बजे तक अवश्य उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समस्त विभागों के संबंधित अधिकारी बाढ़ मार्क ड्रिल अपना सहयोग प्रदान किए थे, उसी प्रकार मेगा मार्क एक्सरसाइज कार्य में भी अपना सहयोग करें, जिससे प्रदेश स्तर पर इस एक्सरसाइज को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट NDRF PL शर्मा ने बताया कि भारत के 37 शहरों में मार्क एक्सरसाइज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने समस्त विभागों से अपेक्षा की है कि अपना सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाए। बैठक में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, जिला समन्वयक गौतम गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के परियोजना निदेशक बलबीर सिंह ने कहा, जो मोटे तौर पर अलग जैसे थिएटर की जरूरत है स्पेशलाइज एजेंसीज को या एम्बुलेंसीज को बुक करने की वो प्रोवाइड कराई। स्पेशलाइज रिस्पॉन्स में जो वैक्यूशन है सर्विस देखने का और जो स्लाइटली ट्रैप है, बहुत क्रिटिकली ट्रैप नहीं है, यहाँ बहुत जल्दी पता है कि ट्रैप है उसमें अपना रोल अदा करेगी। नेक्स्ट इनर कॉर्डन भी करेंगे वो और क्राउड मैनेजमेंट का काम भी करेंगे। इसके अलावा और भी जो एजेंसी वहाँ काम करेंगी उनको हेल्प करेंगी, जैसा रोल उनको वहाँ दिखेगा और उस मौके पे वो प्रोड करेंगे। वो ही कम्प्लीटली कारण करना कि हो भी क्या जितने रेजिडेंट्स हैं, जितने गेस्ट हैं या जितना स्टाफ है वो बाहर आ जाए, फिर लोगों को एवैक्यूएट करना, असेंबली एरिया की साइड या सेफ जोन जो बांट रखा है उस साइड को ले जाना, उसके थ्रू जो जितना वो दे सकते हैं, और इनर एरिया जो होटल का है उसको कॉर्डन कर देना ताकि बाहर से लोग अंदर ना जाएं, और वहाँ NDRF हैं उनको मदद करें। आप नहीं पा रहे हैं जो बाकी एजेंसी जो CVR की अगर कोई सिचुएशन बनती है, चाहे केमिकल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत छोटा मोटा फर्स्ट एड में कोई जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता, उनको जैसा पता है वैसा करता है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ट्रेंड होते हैं तो वो प्राइमरी मैनेजमेंट करेंगे, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, सीरीज में जो मेडिकल बेस हम बना रहे हैं वहाँ वो प्राइस की कार्रवाई करेंगे, हमारा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, JCB लोडर एक्सेट्रा जो भी बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो सोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और लीड टाइम का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनको कहाँ लेके जाना है। सबसे पहले पहुँचने वाली अगर कोई अगर एजेंसी है उस अफेक्टेड एरिया में वो रेवन्यू डैमेज कितना हो गया, लॉस क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन अपने हाई इन्फॉर्मेशन का फ्लो करना, एक्चुअल लॉस क्या है, डैमेज क्या है, और मीडिया को सही इन्फॉर्मेशन देना, उसको कंट्रोल करना, इस तरह के काम जो है रेवन्यू डिपार्टमेंट का। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जैसे कल का जो सिनेरियो है उसमें यही यूटिलिटी कट ऑफ करना ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या उस तरह की सिचुएशन ना बने, और जब उसको रिस्टोर करना होगा तो भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत बार हो जाती है तो आजकल तो स्क्रैप इलेक्ट्रिसिटी भी काम करता नहीं, तो जब टाइम आता है तो उसको स्टोर भी टाइम करता है, लेकिन जब तक लोग उसमें ट्रैप है, जब तक जो दस में लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है और यूटिलिटी कट ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, तो एक्सरसाइज काम चल रही है क्या क्या करना है, एक और सीक्वेंस ऑफ एक्शन करके वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अपने रिसोर्सेज बता देंगे एक बार, उनके रिसोर्सेज बता देंगे क्या क्या काम कर रहे हैं।
कौन सा स्टॉल हमने कहाँ लगा रखा है, अगर कोई इक्विपमेंट कहाँ जाना है वो अलग अलग दो तीन पेजेस उसमें नहीं करना है, छोटी सी ट्रेनिंग करें कहाँ जाना है। भारत सरकार के निर्देश पे गृह मंत्रालय के द्वारा ये इवेंट्स दिया गया था कि NDRF के द्वारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी, लखनऊ का 5 अप्रैल को इवेंट्स हो चुका है वो CVRN पे था, और कल 10 अप्रैल को गोरखपुर में एक इवेंट्स होना है होटल क्लार्क में, जिसमें NDRF, SDRF प्रदेश में SDRF का भी गठन हुआ है, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में और UPSDMA के द्वारा इसको कराया जा रहा है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो, लोगों में इस तरीके की भावनाएं हों कि अगर इस तरीके की आपदाएं आ जाती हैं, किसी भी तरीके की आपदाएं आ जाए, चाहे वो भूकंप से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड हो या अन्य इंडस्ट्रियल डिजास्टर से रिलेटेड हो, तो जिस तरीके की भी कोई आपदा आ जाएगी, इस तरीके की आपदाओं में हमारे जो संसाधन हैं, उन जनपदों में संसाधन है, उनकी परख भी हो जाएगी, और इस तरीके की आपदाओं में हम किस तरीके से लोगों को जो है अवेयर करके कम से कम जनहानि पे जो है इसको बाहर निकाल सकें, इस आपदा के से बचाव कर सकें, इसी के बारे में कल हम लोग जो है कि इवेंट्स करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और NDRF, SDRF और इसमें अन्य तमाम एजेंसीज हैं, सिविल डिफेंस है, होमगार्ड है, SSB है, इसके अलावा जो है अन्य संस्थाएं हैं, NCC है, और आपकी पुलिस है, नगर निगम है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, और तमाम जो फायर है, अग्निशमन विभाग है, इन सब का जो भी रोल होगा वो अपने अपने इवेंट्स, आज हमने टेबल टॉक एक्सरसाइज किया है कलेक्ट्रेट में, जो है अपर जिलाधिकारी वितरण राजस्व की अध्यक्षता में एक टेबल टॉक एक्सरसाइज किया गया है, जिसमें सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी बता दी गई है, उनके इवेंट्स बता दिए गए हैं, उनके जो मैन पावर्स हैं, मैन पावर्स वो क्या अपनी यूज करेंगे उसमें, उस सब पे पूरा पूरा जो है एक डिस्कशन हो चुका है, और ये पूरा पूरा सिस्टम जो है हम लोग IRS बेस्ड सिस्टम हम लोग उसको कर रहे हैं, इसमें एक जो हमारे अपर जिलाधिकारी वितरण राजस्व हैं वो इसके इंसिडेंट कमांडर होंगे, और उन्हीं के निर्देश पे, उन्हीं के साथ में जो है ये पूरा पूरा जो है इवेंट्स कल किया जाएगा। सर, डिजास्टर तो कभी भी आ सकता है, उसमें चुनाव में भी डिजास्टर हो सकता है, डिजास्टर कभी भी आ सकता है, किसी भी तरीके का आ सकता है, चाहे वो आतंकी गतिविधियाँ हों, चाहे बम ब्लास्ट हो या अन्य किसी भी तरीके का हो, उन तरीके की जितने भी डिजास्टर्स हैं उसमें किस तरीके से हम लोग जो बचाव कर सकते हैं, अगर हमारे पास में, हमारे दिमाग में, जहन में ये सीन क्लियर होंगे कि हम किस तरीके से इनसे बचाव कर सकते हैं, उसी आधार पर वो तो चुनाव में भी हो सकता है, वो अन्य आपदाओं में भी हो सकता है, वो सामान्य समय में भी हो सकता है, उसी के ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गर्मी का दिन है, काफ़ी लू भी चलता है, देखा जाता है, अक्सर आग लग जाते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ जो बड़ा पट्टियाँ भी जल जाते हैं, तो क्या इसमें भी आपकी कंपनी या इस तरह की जो अवेयरनेस की आपने रात के जाते हैं? हाँ, इस तरीके के जो आपदा प्रबंधन किया जाता है, मान लीजिए अग्निकांड कोई हो गया है, इसमें फायर डिपार्टमेंट्स जो है वो इसमें एक अपना अहम रोल अदा करता है, और इसके लिए SDRF भी, और पहले हम उसको यूज करते हैं, इसके बाद में जो है साथ साथ ही जो है हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है वो इसमें, उनके पास में छोटे उपकरण भी हैं और फिर बड़े उपकरण भी हैं, जिनके द्वारा जो है वो आग को बुझाने का काम पूरा करते हैं। ये सारे इवेंट्स जो हैं कल दिखाए जाएंगे, जिससे जो है लोगों में अवेयर होंगे कि हम लोग जो हैं तैयार हैं, किसी भी तरीके की चाहे आपदा आ जाए उसमें हम अच्छे तरीके से तैयार, हमारे जो संसाधन हैं उनकी भी जांच और परख हो जाएगी, जिससे हम इस तरीके की आपदा आने पर उनसे अच्छे से निपट सकते हैं।